नमस्कार, मैं सौरभ, आप सभी का स्वागत करता हूँ एशियन दुनिया में। और हमारे साथ बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश कुमार गुप्ता जी। चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। हमारे बीच में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी। चलिए इनसे जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में रांची के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि स्पेन का संज्ञान कर सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है, बधाई हो झारखंड सरकार। तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, अबोध बालक की तरह अगर माननीय विधायक व्यवहार करेंगे या शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें लगता है कि बड़ा हास्यास्पद है और उन साइंटिस्टों को अपमानित करने वाला है। इस प्रकार आपने जो सवाल किया, आपके सवाल के जवाब में बता रहा हूँ, माननीय विधायक अगर बोलते हैं कि झारखंड सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन को निर्मित किया है तो सिक्की सिंह का ये अगर वक्तव्य है तो हमें लगता है कि उन देश के जो साइंटिस्ट जिस पर हमें गर्व होता है, पूरी दुनिया में गुमान होता है, गुरूर होता है, उसको अपमानित करने वाला है। कहाँ से राज्य सरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड या टीका बनाई? सवाल ये उठता है, देश के प्रधानमंत्री ने 18 से 44 साल के नौजवानों को अलग क्यों किया? कि 45 से ऊपर देंगे और 18 से 44 को हम वैक्सीन देंगे, ये कौन सा प्रश्न है? एक देश में हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि खुद खरीदेंगे, केंद्र सरकार 150 रुपया में, राज्य सरकार खरीदेगी उसको 300 रुपया में, प्राइवेट लोग खरीदेंगे उसको 600 रुपया में। और प्राइवेट में जाकर अगर हमारे नौजवान जो आने वाले देश के नवनिर्माता भविष्य हैं वो 1000 रुपये में लेंगे, ये मोदी जी की नीति है। तो देश ये पूछना चाहती है, एक नेशन की बात करती है, एक संविधान की बात करती है, एक भारत की बात करती है और उस भारत में जो भारत के पुत्रों को अपमानित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। एक देश में 3 तरह का रेट, ये कौन सा नीति है भाई? एक देश है, वैक्सीनेशन नीति। मैं आग्रह करूँगा आदरणीय मोदी जी कि आप अभी भी अपनी कुंठित मानसिकता से बाहर आए और जो देश के नवनिर्माण आने वाले समय भविष्य कहलाएंगे 18 से 44 साल के नौजवान, उनको आप फ्री वैक्सीनेट करें। आप एक देश में 3 तरह की रेट तय कर रहे हैं साहब, ये कौन सी नीतियाँ हैं आप भाजपा की? आज से पहले आज़ादी के बाद जितनी भी महामारी है कभी ऐसा नहीं हुआ है और केंद्र सरकार स्वतः पूरे देश के सम्मानित जन को वैक्सीनेट या टीका लगाने का काम, ये पहली बार अलग बांटा गया है नौजवानों को, रेट अलग अलग हुई है, ये कैसी नीति है? पहले इससे तो भाजपा आत्ममंथन कर रहे हैं, देश के नौजवानों को बांटने का काम क्यों किया? सर, एक और सवाल है कि भाजपा के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ हम करेंगे बोले थे कि हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रहा है, अपने अपने कुंठित सोच जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठित सोच इस देश के मानव के खिलाफ, इसमें इस देश के जन के खिलाफ, उसको थोपना चाहती है। क्योंकि बार बार ये 14 से लेकर अब तक झूठी बोलते हैं, कभी सच नहीं बोला, ये अपने परिवार में भी झूठ, तो देश को तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री ने, राज्य की गठबंधन सरकार ने बोला था, मगर एक देश एक नेशन एक संविधान एक मिशन एक राशन कार्ड की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के नौजवानों को क्यों भाई फर्कट कर रही है भाजपा? क्यों उनको अलग थलग कर रही है देश के बेसिक डोर से? ये पूछना चाहिए। अगर केंद्र बोल दे नहीं दूंगा मैं, मोदी जी बोल दे राज्य सरकार को नहीं देंगे, चिल्लाकर बोल दे, मन की बात में बोल दे, सरकार हमारी देगी। बोले तो पहले कि नौजवानों को वैक्सीन नहीं देंगे, बोले मोदी।